डियर फ्रेंड्स नमस्ते। देखिए कर्व से रिलेटेड बोर्ड पर 3 क्वेश्चन नोट है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक चीज और बताना बहुत ही जरूरी है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन आएगा तो कतई जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। बहुत ही लंबा जो है कैलकुलेशन नहीं दिया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डी रूट बीजी रूट है। डी रूट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डी रूट है, कोई बात नहीं, डी रूट ठीक। हैविंग कर्व रेडियस, तो देखिए रेडियस जो आर की वैल्यू गिवन है 800 मीटर, ठीक है। ले डाउन 100 mm कैंट, देखिए यहां पर कैंट की वैल्यू दिए है 100 mm, सीए का वैल्यू 100 mm गिवेन है। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन कर्व, तो आपको इस कर्व पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको पता है कैंट इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। चूंकि देखिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आपको फाइंड आउट करना है तो यहां वी एम लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए कैंट गिवेन है 100, देखिए 100 mm आपको कैंट गिवेन है। तो देखिए यहां पर यही बात ध्यान रखना है कि 100 mm पर स्पीड नहीं निकाल देंगे, करंट डेफिशिएंसी का भी एडवांटेज लेंगे, करंट डेफिशिएंसी का भी एडवांटेज लेंगे। तो करंट डेफिशिएंसी जो है डी रूट में 75 mm है, तो यहां पर 100 + 75 कर देंगे, बस बात खत्म। देखिए इक्वल टू 1750 इंटू वीएम का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 800। देखिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और वीएम की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 100.79 से 100 km/h। तो देखिए कितना इजी प्रॉब्लम था। बस इसमें एक चीज ध्यान देना है, जो कैंट गिवेन है एक्चुअल कैंट, उसमें आपको कैंट डेफिशिएंसी जरूर जो है ऐड करना पड़ेगा, और उसको जब ऐड करेंगे तब जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ए 800 m रेडियस कर्व फॉर ए ग्रुप का बीजी रूट है। देखिए मैं नोट कर दे रहा हूं, ए रूट ठीक है, और बीजी है, कोई बात नहीं है, आजकल एमजी ही कहां चल रहा है। द कर्व इज सिचुएटेड नियर द स्टेशन, ये बात ध्यान रखना है, कर्व कहां है, स्टेशन के एकदम नजदीक कर्व जो है। अच्छा एक बात और भी है, रेडियस जो है गिवन है 800 m, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो नियर स्टेशन है, नियर स्टेशन, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा और एक बात और भी लिखा है कि ऑल ट्रेन्स विल बी स्टॉप, वहां पर सभी ट्रेनें रुकेंगी भी, वहां सभी ट्रेनें रुकेंगी, समझिए ध्यान से, अगर सभी ट्रेनें नहीं रुकती तो ये इसका आंसर दूसरा हो जाता है, लेकिन सारी ट्रेनें रुकेंगी। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज, अब देखिए वहां पर ट्रेन की जो स्पीड गिवेन है, स्पीड देखिए 35 km/h, ठीक है, कोई बात नहीं, गिवेन है। तो फाइंड आउट द एक्चुअल सुपर एलिवेशन फॉर कर्व, मतलब जो कर्व है जो कि एकदम स्टेशन के नजदीक है, उसके लिए कैंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए तो
कैंट इक्वल टू जी भी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो देखिए आप जी की वैल्यू 1750 इंटू भी जो है 35 का स्क्वायर हो जाएगा, 127 इंटू आर की वैल्यू 800 गिवन है। देख लीजिए फिर से जी भी जी कोई बात नहीं, ये तो डायनेमिक गेज है, उसका वैल्यू 1750 होता है, 35 का स्क्वायर भी है वेलोसिटी, और 127 आर की वैल्यू गिवन है। अब आप इसको जो है देखिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका 21.09 एमएम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैंट, ये तो ठीक है एक्चुअल कैंट इतना आ गया, क्या यही प्रोवाइड कर दिया जाएगा? तो देखिए एक्चुअल कैंट आपको क्या करना था, यहां पर देखिए एक्चुअल सुपर एलिवेशन, तो हम यहां लिख देते हैं एक्चुअल सुपर एलिवेशन, एक्चुअल सुपर एलिवेशन। तो देखिए 21.09 एमएम से 20 एमएम से 20 एमएम। अब आप सोच रहे होंगे हाँ भाई यही 20 एमएम प्रोवाइड कर देंगे बस। देखिए एक बात बताते हैं, ये ब्लॉक सेक्शन में कर्व नहीं है, ये कहां है, स्टेशन के एकदम नजदीक जहां सारी गाड़ियां रुकनी है, क्लियर समझिए। तो स्पीड ही हमेशा कम, अरे भाई स्पीड भाई जब उस कर्व पर ट्रेन जो है पास होगी तो उसके जस्ट बगल में स्टेशन है, तो इसलिए जो है अच्छा स्टेशन जो लिमिट होता है उसमें जनरली जो है स्पीड 25, 30, 35 मतलब उसके पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां 35 की बेन है, तो उसी से जो है आप जो कैंट कैलकुलेट कर लेंगे बस उतना प्रोवाइड कर दीजिए बस। इसको चेक उप करने की नहीं, मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड ऐसा कुछ नहीं है, ये करेक्ट है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता जाना चाहिए इसी तरह का पूछा जाना चाहिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए 875 मीटर रेडियस बीजी कर्व, अच्छा आर की वैल्यू गिवन है 875 मीटर, चलिए कोई बात नहीं, लेड विदाउट सुपर एलिवेशन। ओहो देखिए सुपर एलिवेशन जो है नील है और ले किया गया है, देखिए फिर से 875 मीटर रेडियस बीजी कर्व है जिसको विदाउट सुपर एलिवेशन ले किया गया है, और ये ऐसा नहीं है स्टेशन लिमिट में नहीं है, ये सब बात नहीं कर रहा है। तो देखिए फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ऑन दिस कर्व कैन बी परमिटेड इफ वैल्यू ऑफ कैंट डेफिशिएंसी 75 एमएम। देखिए यहां पर सीडी की वैल्यू दे दिया है, सीडी की वैल्यू जो है 75 एमएम की वेन है बस, तो यहां पर क्या कहा भाई, देखिए सुपर एलिवेशन है ही नहीं लेकिन फिर भी कर्व तो कर्व, उसका रेडियस है देखिए 875, 2 डिग्री का कर्व है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम जो है परमिसिबल स्पीड कितनी दी जा सकती है। तो देखिए अब आपको पता है कैंट इक्वल टू जी भी स्क्वायर अपॉन 127 आर, चूंकि एक्चुअल कैंट यहां पर क्या है भाई दिया ही नहीं गया है, और मैं आपसे बार बार कहा हूं स्पीड कैलकुलेट करने के लिए स्पीड यहां पर जो एक्चुअल कैंट प्लस कैंट एफिशिएंसी, देखिए इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हुआ है एक्चुअल कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी, जब एक्चुअल कैंट जीरो है तो उसको जीरो लिख लीजिए, तो जीरो प्लस कैंट एफिशिएंसी तो आपको लेना ही पड़ेगा 75 इक्वल टू 1750
वीएम स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 875। अब आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको भाई इसको आप कैलकुलेट करिए, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वीएम की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगा, यहां रूट निकालना पड़ेगा, तो जो है इसकी वैल्यू 69 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि कर्व पर जो है स्पीड को कम कर देंगे आप, ये इतना मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दिया जा सकता है। तो ये है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन दिस कर्व, दिस कर्व। तो ये था आपका देखिए 3 क्वेश्चन। तो देखिए मेरा बार बार यही कहना है कि अगर कर्व से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए तो इसी टाइप के पूछे जाने चाहिए जिसका आंसर जल्द से जल्द हो जाए। इसमें कितना टाइम लगना है? 1 मिनट भी नहीं लगना है, किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगना है। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट में हम आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।